अयोध्या में राम मंदिर के लिए लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। अब अयोध्या के बाद सभी की नजरें काशी पर हैं। इन दिनों ज्ञानवापी मामले की अदालत में सुनवाई हो रही है। दोनों पक्षों ने वाराणसी जिला अदालत से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। 31 जनवरी को ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला दिया था। अदालत ने हिंदू पक्ष को ब्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी थी। ब्यास जी का तहखाना साल 1993 से बंद था। आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर में ब्यास जी के तहखाने में 1 फरवरी को पूजा की गई। इसके साथ ही अब आम लोगों के दर्शन भी हो रहे हैं। इससे पहले जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर की संरचना मिली है। पहले हम बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा विवाद, उसको समझाते हैं। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने साल 1964 में मंदिर को तोड़वा दिया। दावे में कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया है, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर ये पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर का भाग मंदिर का अवशेष है या नहीं। साथ ही विवादित ढांचे का फर्श तोड़कर ये भी पता लगाया जाए कि 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ भी वहां मौजूद है या नहीं। मस्जिद की दीवारों का भी जांच कर पता लगाया जाए कि मंदिर है या नहीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। इन्हीं दावों पर अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI के से सर्वे करवाया था। बीते बुधवार को ASI की ये सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई थी। इस विवाद को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है वो भी अब आपको हम समझाते हैं। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल हैं। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था, लेकिन ज्ञानवापी मामले में इसी कानून का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए होगी, उसके बाद ऑर्डर प्रभावी नहीं रहेगा। इसी आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी मिल गई। आदेश में एक कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई 2023 को दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। 10 मई 2023 तक अदालत ने इसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। 6 मई 2023 को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया था, लेकिन 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा। 12 मई 2023 को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई 2023 तक सर्वे का काम पूरा करवाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जहां ताले लगे हैं वहां ताला तुड़वा दीजिए, अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो
उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना चाहिए। 14 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा था कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। अब मामले में 17 मई 2023 को सुनवाई होगी। 14 मई 2023 से ही ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। 16 मई 2023 को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य मिले। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला है। हिंदू पक्ष ने इसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग की, मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। 24 जनवरी 2024 को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दे दिया। 25 जनवरी 2024 को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला। इस पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई। 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ब्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी। 1 फरवरी 2024 को ब्यास तहखाने में पूजा की गई। यहां 1993 से पूजा पाठ बंद था। फिलहाल ज्ञानवापी मामले पर अदालत में सुनवाई का दौर जारी है। हाई कोर्ट में आज भी मामले की सुनवाई हुई। अब कोर्ट अगली सुनवाई 12 फरवरी को करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।